अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी मलाइका मुश्ताक और एक और प्यारी सी वीडियो के साथ मैं बैक हूँ। तो इस वीडियो का नेम होगा कि हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे अपनी फ्रेंड से, उनको आंसर करने होंगे और कुछ पनिशमेंट्स रखेंगे। तो मेरी एक फ्रेंड आ चुकी है, बाकी एक फ्रेंड आ रही है, और तो हम कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको अपनी फ्रेंड से मिलवाती हूँ। तो हाय मुनीबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं आप? क्या कर रही थी आप? शीशे में देख रही थी। ओह माय गॉड, वाओ, ये तुम्हारा फेवरेट काम है। अच्छा, तो अभी हम ना पहले खाएंगे खाना। रोटी खोल दो। हाँ, पहले हम खाएंगे खाना, चावल और रायता वगैरह। वो मैं आपको थोड़ा सा क्लिप दिखा दूंगी, जब हमारी जैसी दोस्त आती फिर हम खाएंगे, और देन फिर हम आगे व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। और ये हम सब अब खाना खाने लगे हैं, तो इसके बाद हम अपना व्लॉग कंटिन्यू करेंगे, वो मैं आप सबको बाद में दिखा दूंगी। हाय हाय, इतना सुकून। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो मेरी फ्रेंड्स आ चुकी हैं, आजो मुनीबा और बुशरा। तो फिर हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमारी वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारी वीडियो का नेम है आज क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो मतलब जो क्वेश्चन आएंगे हम लोगों को उनके आंसर्स देने पड़ेंगे तीनों को, और जो जो आंसर नहीं कर पाएगा, जिसका बहुत ज्यादा पर्सनल हो जाएगा और आंसर नहीं करना चाहेगा, उसको पनिशमेंट लेनी पड़ेगी। पनिशमेंट, ओके, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और पनिशमेंट हम लोग दिखा देंगे आपको, क्योंकि इसने लिखे हैं क्वेश्चन, इसलिए ही कर देगी। तो अभी हम लोग फर्स्ट विषय आप उठाएं, क्योंकि पिछले चैलेंज में मैंने और मुनीबा से स्टार्ट। चलो ठीक है। वर्स्ट लकीस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू यू, व्हाट्स द लकीस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड टू यू, ये क्वेश्चन है। मेरी मतलब के ना ट्रिप पर ना 3 दिन का स्टे था, और मेरी ना आपी का प्लान बना था मरी जाने का, बट ना तब उसकी न्यू इंगेजमेंट हुई थी, तो भाई ने इसको मना कर दिया, तो फिर मैं उसकी जगह 3 दिन स्टे करके आई थी। क्या बात है, तो ये बहुत लकी था। वाकई लकी थी ये, वाकई लकी थी। मैं तो छोटी थी, ये साइड पे होगी पड़ती है, मैं खाती मंगनी के नए नए चाव में आपके गई नहीं। What superstitions do you believe in? Superstitions में आई थिंक सो आई डोंट बिलीव, क्योंकि देखो नहीं, कोई एक चीज तो बिलीव करता है, मतलब तो बतानी पड़ेगी, वरना ये भी करता है सुपरस्टिशियस पे, बट सम टाइम हमारे दिमाग में आता है। मैं जैसे काली बिल्ली काटता काट, हाँ ये मैं बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ, लाइक मैं आयशा के साथ जब वॉक कर रही हूँ तो ये वो, मैं कहती हूँ यार काली बिल्ली रस्ता काट। इवन निगत के साथ स्पेशली, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो उसके साथ भी चल रही हूँ रात को वॉक कर रही हूँ, तो उसके साथ भी बोलती यार काली बिल्ली रस्ता काट। मैं अपना अगर बताऊँ ना, तो सम टाइम जब मैं अच्छा ड्रेस करके जाती हूँ ना, तो बेइज्जती नहीं होती, मैं कहती हूँ ये लकी मेरा सूट है, इसमें मेरे अच्छे नंबर आए हैं, और ये लकी है मेरे लिए। और जब मेरा नहीं, मेरी रज की बेइज्जती होती है ना, मैं उस दिन सूट ही नहीं वो पहन के, मैं कहती हूँ ये तो मनहूस है मेरे। अपने बता दिया, मलाइका ने क्या बताया? मैंने काली बिल्ली, मैंने ये बताया कि हाँ उस पर मेरे है। मैं ये भी बोलती हूँ कि अगर दो बंदे एक साथ कुछ बोले ना, लाइक हम लोग समटाइम्स दो पर्सन एक साथ एट अ टाइम कुछ बोलते हैं, तो हम लोग ये बोल देते हैं कि चलो। तो यही सुपर, और दूसरा सुपरस्टिशन ये है मेरा कि हम लोग ना समटाइम्स मैं और मेरी दोस्त एट अ टाइम एक साथ हम दोनों बोलते हैं, तो हम लोग ये कहते हैं कि यार अब देखना मेहमान आने हैं, गेस्ट आने हैं, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे बताया, मैं वो एक साथ क्लास के अंदर ना आंसर दिया हमने, तो कहती देखना किसी के घर मेहमान आने, तो मुझे और मेरे घर मेहमान आए थे उसी दिन, तो उस पर भी मुझे थोड़ा बिलीव हुआ था। तो ये सुपरस्टिशन पे मैं बिलीव कर जाती हूँ कभी। ओके, हमारी बात पे क्या है? व्हाट इज योर वर्स्ट हैबिट? बतानी है वर्स्ट हैबिट, बताइए मुझे, बस सच्ची बतानी है, सच्ची सच्ची सच्ची। मैं तो इसके सालत में पोल खोल दूँ। हाँ ये अच्छा होता है बहनों का, गंदी हैबिट। जल्दी बेटा, बहुत सी है, मैं कौन सी ऐसी बताऊँ? कौन सी वो तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं, वो बता दो कि अच्छी थी इसने कौन सी कहा है वो फिंगर ऑन योर नाम नहीं, ये भी हैबिट है, ये बदतमीजी थी इनकी। उनको सुनाई भी दिया ना। अच्छा चलो चलो, इसके बाद कौन सी सबसे गंदी हैबिट?
बता दो टाइम। रुक जाओ। टिक थ्री। मैंने मुंह तोड़ देना तुम्हारा। हाँ, इसके बाद टिक फाइव। टिक टिक फोर। सबसे गंदी हैबिट होती है कि ना अपना मोबाइल मुझे ना किसी के पास रखना पसंद नहीं है। लाइक किसी को पकड़ाती भी नहीं, किसी को पकड़ाना भी पसंद नहीं है। जब मेरा मोबाइल मेरे मतलब मेरे हाथ से पकड़ के खुद यूज करता है ना, तो मैं एक मिनट के लिए भी नहीं तोड़ दूं। एक मिनट। और ये मेरी सबसे गंदी हैबिट है। बेशक कुछ भी ना हो इसके अंदर, पर मुझे नहीं पसंद कभी मेरा मोबाइल टच भी नहीं। बट ये सबकी होती है। नहीं यार, फिर भी मैं कभी ना कभी तुम भी हमें पकड़ा देती हो। ये तो अपनी दोस्तों को भी पकड़ाते हुए मुझे कहते नहीं, मैं नहीं बताती हूं नहीं मेरे मोबाइल जैसा कुछ है। तो मतलब मेरे मोबाइल में ना भी होना, बट फिर भी मुझे नहीं होता कि नहीं मेरा मोबाइल कोई ना पकड़े। ये चीज है। Have you ever given a fake number? अच्छा, इसको तो कोई मुंह नहीं लगाता होगा। एक दफा ना मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ कोहिनूर गई थी, तो वहाँ पर ना हम लोग शायद आई थिंक सो के ना इसके बड़े मजे मजे के किस्से बहुत अच्छी ना अच्छे सी शो पे गए थे। मुझे उसका नेम आई थिंक पता नहीं गए थे यार वहाँ पर ना उन्होंने मेरे पास सामान था वो रखवाया। वो लड़का ना कहता कि आप अपना ना नेम बताया। नेम मैंने उसको फेक बताया। मैंने कहा नूर, क्योंकि मेरे स्नैपचैट के बाद में नंबर की बात की, नंबर मैंने उसको ठीक नहीं नंबर ठीक लिखवा दिया। मैं वो गलत नंबर ठीक लिखवा दिया। ये तो वही सही था। तो ये उस क्वेश्चन ये था कि फेक नंबर वाली ना, कि फेक नंबर नहीं मैंने कभी। If you could only eat one thing for the rest of your life, what would you choose? Okay, this is an interesting question. अच्छा मुझे फिर से पढ़ने दो। तो I would choose that. If you could only eat one thing for the rest of your life, what would you? अच्छा जी, okay. Rice, obviously rice. बस ये वो नहीं, बस नहीं, तुमने वन थिंग कहा है। वन थिंग में तो ऑब्वियसली राइस ही है। हाँ, वो तो हम नहीं छोड़ सकते, बट मैं छोड़ सकती हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर ने मना किया है। मैं खा लूं ना खाऊं फर्क नहीं पड़ता मुझे। यार सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है, बट मैं सिंगल बर्गर को नहीं छोड़ सकती। वो मैं भी वन थिंग नहीं चूज कर सकती, लेकिन क्वेश्चन ऐसा है। लेकिन इसलिए राइस तो लगम नहीं बात प्योर्स था। मजे की क्वेश्चन है यार। I can easily. What the biggest secret you have kept from your parents? क्या खाना पसंद करोगी? लाल मिर्च। मैं बताऊंगी। You know, हम सबको एक दूसरे के सीक्रेट्स पता है। ये सीक्रेट है। अगर मेरी बहन को भी पता है, मुझे इसमें इतना मसला नहीं है। इसको भी पता है कि मेरा एक क्लास फेलो मैं इसको पसंद करती हूँ और मेरी इससे बात हो जाती है। तो मेरी मम्मा को नहीं पता, बट इन दोनों को पता है। तो बता दिया सीक्रेट। पनिशमेंट क्यों दी? तुमने ऑन एयर कर दिया ये वीडियो। कोई भी देखेगा तो जाहिर सी बात है तुम पे ट्राई नहीं करेगा। तो ट्राई के अलावा क्या पता वो इसको ब्लैकमेल कर इसके क्लास से देख ली। मेरे अब्बा की आईडी किसी को नहीं पता होगी। नहीं, तुम्हारे क्लास फेलोज ने देखी। सीक्रेट रहने ही देती। ठीक है, कोई मसला नहीं है, कर ले। वो भी मुझे ट्राई नहीं मारेंगे सिंपल। चलो नहीं, क्लास फेलो अपने आप को समझता है फिर। भाई जिसको समझना है समझ लो। Five most recent things in your search. अब कोई गंदी हिस्ट्री हुई ना तो मजा आ जाना है ब्रो। अच्छा जी, इसका पासवर्ड मुझे पता है। गूगल करना है, देख लो भाई, देखना क्या मिलता है। यू गाइस, अब गूगल नहीं, हम यूट्यूब हिस्ट्री देखेंगे, क्योंकि गूगल में तो इसने आज सुबह पढ़ाई की है, तो उसी की चीजें हैं। गूगल गूगल हम यूट्यूब देखेंगे, क्योंकि यूट्यूब में पोले खुलती है। फर्स्ट वन, द लेजेंड ऑफ ब्लू सी इंग्लिश सबटाइटल एपिसोड। ट्रांजिशन वीडियो रोमांटिक। उसके बाद आ जाना है हमारे पास तेरे बिन ड्रामा, तेरे बिन एपिसोड फुल 19, द लेजेंड ऑफ। हमारे पास उसके बाद है व्हाई माय स्नैपचैट नॉट वर्किंग। ये भी यूट्यूब से पूछ रही है। इस्लामी ड्रामा काजी गाजी सीजन 1 एपिसोड 1 शिवा कार्टून। तुम खुद को चीजें में देख लिया करो, जरूरत ही नहीं पड़नी कार्टून देखने की। तो ऐसी पांच चीजें थी, वो हमने बता दी आपको। बाकी भी बहुत गंदी गंदी चीजें हैं, वो बता नहीं सकते। ये फनी था। माय टर्न बेटा। अभी तो आपने 5 रीसेंट थिंग्स है। सॉरी, कौन से देखी करी है? What's the most awkward thing you have ever been
अब बताएगी इसमें मजा आएगा इसको. मोस्ट ऑकवर्ड थिंग दैट यू एवर हैव बीन. अब मैं भी करूंगी फाल लाइक समटाइम्स समटाइम्स मैं बताने लगी हूँ. समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि मैं ना कुछ बोल देती हूँ ठीक है, और वो पर्सन ना लाइक हम रैंडमली कहीं से गुजरे होते हैं ठीक है, किसी भी जगह पे बहुत सारी ऑकवर्ड थिंग्स होती हैं ठीक है, बट ये कि हम लोग मोस्टली यूनिवर्सिटी में या फिर कहीं भी मैं ना समटाइम्स किसी पे कॉमेंट पास कर देती हूँ और अगर वो सुन ले तो वो जब देख ले डिस्ट्रॉयड इन सेकंड्स, तो वो बंदा ना कैच भी हो जाता है. ऑकवर्ड थिंग होती है यार मैंने ये बोल दिया और पता नहीं क्या ही सोच रही होगी ये. और समटाइम्स आयशा पास होती है मैं बात करके तो आयशा देखना शुरू हो जाती है, वो बंदा समझता है आयशा ने बोला है, आयशा को देख के चले जाता है. आयशा मुझे कह रही होती है यार तुम इतना ऊंचा बोल रही हो ये वो. मैं कहती अच्छा कुछ नहीं होता यार. मेरी ऑकवर्ड मतलब मोमेंट ये होता है कि जब मैं बात करूं अगला कोई आंसर ना दे. ये तो अक्सर करती हूँ ऐसे दोस्तों के ये साथ. भी ऑकवर्ड थिंग है ऑब्वियसली. मैं तो तुम लोग को बता के हटूंगी कैसी ऑकवर्ड थिंग, फिर मैं अगले बंदे के साथ वो करती हूँ जब वो अगला बंदा मुझे इग्नोर करे ना. सच्ची मुझे बहुत गुस्सा आता है लोगों पे, फजूल लोगों को ना मैं फिर फजूल तरीके से डील करती हूँ. रह गई है व्हाट योर बिगेस्ट रिग्रेट बताओ बेटा. सबसे बड़ा रिग्रेट मेरा नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना. यूनिवर्सिटी को प्रेफर किया. नो आई थिंक सो यू आर द मतलब इनको पास होना यूनिवर्सिटी मतलब उसके अंदर यूनिवर्सिटी के लड़के अच्छे हैं ना, यूनिवर्सिटी की लड़कियां अच्छी हैं, मतलब बहुत गंदा डिसीजन. तुम खुद भी वैसे ही हो बेटा, आपकी बहुत अच्छी है. आई थिंक इसको इसके फंक्शन होते हैं. अच्छा फंक्शन के मर जाते हैं. मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरे जो फंक्शन आते हैं मार दो इसको. नहीं मेरे जो फंक्शन आते हैं ना वो बेसिकली इतने भी नहीं होते हैं तुम लोगों को. हम खुद ही यूनिवर्सिटी में पिछले वन वीक लाइक मतलब कल्चर डे था, मिसमैचिंग डे था, मिसिंग डे था, मतलब उसके बाद कॉन्सर्ट था हमारी यूनिवर्सिटी में. मैं सेकंड सेमेस्टर में अभी तक एक भी ऐसा फंक्शन नहीं है. हमारा भी पहले दो सेमेस्टर कोरोना की वजह से नहीं हुए थे तो हमने भी दो मतलब हमारे कौन सा कोरोना चल रहा है जो अब वो करवा नहीं रहे, मतलब थका हुआ है, मतलब उसकी डिग्री की डिमांड है. ये क्वेश्चन मुझसे आना चाहिए था. कौन सा मुझ पे आया, मुझे बहुत अच्छा लगा. व्हाट इज योर फेवरेट पार्ट ऑफ योर बॉडी? फेवरेट पार्ट ऑफ योर बॉडी. अच्छा जी मुझे तो मुझे नहीं पसंद, बकवास ना कर. अच्छा मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले ना ये बता दो, ये तो धोती खोल रहा है. ओए बदतमीज हो, मेरी सुन तो लो. तुम लोगों को मुझे ना फिर अप्रिशिएट भी करना है, मेरी तारीफ भी साथ साथ करनी है. मैं नहीं कर रही पहले तो मैं सोचता हूँ इसका फेवरेट पार्ट कौन है. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं लाए अम्मा हमारी. अच्छा मैं बताती हूँ. एक तो ना मुझे ना अपने लिप्स बहुत अच्छे लगते हैं. मुझे पता था इसका आंसर. कलर की लिपस्टिक मुझे बहुत पसंद था, मुझे बहुत पसंद है ठीक है. उसके बाद मुझे अपने आईब्रोज बहुत पसंद है, बहुत पसंद है क्योंकि इनकी शेप बनी हुई है. उसके अलावा मुझे ना बस एक चीज बतानी थी, अपनी एक चीज बतानी थी. इतने प्यारे सिल्की बाल हैं मुझे इसका ना, मुझे इसका अपनी हाइट बहुत पसंद है कि मेरी हाइट 5'6" है. और फिर मुझे सब कुछ पसंद है अपना, बट मुझे अपने लिप्स बहुत पसंद है. सेल्फ ऑब्सेस्ड मुझे बहुत पसंद है. चलो ठीक है आगे. मुझे इसका कुछ नहीं पसंद, मुझे दोनों नहीं पसंद. मुझे तो ये वैसे अच्छा, तुम्हें मेरा फेवरेट बॉडी पार्ट कौन सा लगता है? सपोज करो ये छोड़ो अभी, ये इसको यहाँ पर रखो, हम बताते हैं दूसरे का. छोड़ो बताओ, तुम मेरा बता दो पहले. तुम मेरा बताओ. आईज पसंद है मुझे, पता है आईज. नहीं तुम पहले मेरा बताओ यार, सुन तो लो पहले. पसंद तो मेरा बताओ. तुम्हारे में भी हेयर हाइट तुम्हारी बहुत अच्छी है ठीक है, हाइट हेयर भी बहुत अच्छे हैं और तुम अच्छी है यार. इसका को यार मुझे इसके हेयर भी पसंद है, इसके अलावा इससे अच्छे हैं क्योंकि आप देख ही सकती है लिप्स से रोड पाई जाती है. नहीं यार आपके प्यारे. ओके इसके हेयर पसंद है मुझे, बस निकालो मेरे भी दादे लीव कर दे दी. हाँ इसके हेयर भी बहुत प्यारे हैं. What's the longest you have ever gone without brushing your teeth? याद नहीं होगा व्हाट्स द लॉन्गेस्ट, लेकिन ये है कि अगर मैं घर रहूँ तो मैं ना रोजाना कर लेती हूँ. लाइक बहुत कम, कोई जल्दी हो तो एक दिन स्किप हो जाएगा, अदरवाइज नहीं स्किप होता. ब्रश के बगैर ये ऑकवर्ड लगता है. हाँ ये नहीं, अगर मैं घर से दूर हूँ तो फिर लाइक हम लोग मरी गए हो इस्लामाबाद गए तो तब इस तरह हो सकता है. हाउ मेनी सेल्फीज डू यू टेक अ डे? मतलब यूनिवर्सिटी जाती हूँ मैं और जो मेरी दोस्त है 150 150
कितनी? नहीं, वो जो मेरी दोस्त है ना, उसको सेल्फी लेने का बहुत शौक है, दोस्त पे डाल रही है। हर दो तीन मिनट बाद ना वो अपने मोबाइल, उसके मोबाइल पे बहुत से सेल्फीज होंगी, उसके बाद मोस्टली हम स्नैप स्ट्रीक भी भेजते हैं, तो दिन में 20-25 तो हो ही जाती है इजिली। 20-25? Yes, bro. OMG. Okay, बहुत लेती हैं। तो guys, इसी के साथ हमारे questions होते हैं खत्म। हमने हर एक का जवाब दिया, देखो से ज्यादा हमें मिली नहीं, हमने सब questions का answer किया, बट हम अभी वैसे बैठे बैठे कुछ और पूछ रहे थे। मुनीबा, तुमने questions का आंसर नहीं था करना, एक का था कि तुम्हें सजा मिलती है। I would love कि तुम्हें सजा मिलती। कितनी बदतमीज किस्म की ये लड़की है, हमें मजा आता। चलो, मैं तो कहती हूँ क्वेश्चन कम पड़ गए हैं। नहीं, इतनी जितने लिखे उतने, बस आगे नहीं हम पूछेंगे हमें और ये तो धोती भूल जाएगी सबकी अगर आगे हम पूछते। हाँ, नहीं नहीं रहने, बस ओके। और ये सीक्रेट वाला मैंने मिशी के लिए सोचा था, अनफॉर्चुनेटली मुझ पे आ गया। जो बोले वही कुंडा खोले, वो वाला साबू मेरे साथ, वही साबू है कि जो, मतलब मैं अपने भी क्वेश्चन लेके आना चाहती, लाइक मुझे अपनी बॉडी पार्ट बताना है, मुझे कौन सा पसंद है, वो बुशा पे चला गया। और बुरे बुरे क्वेश्चन, जैसे वो हर यूट्यूबर कहते हैं मुझे लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स करे, मैं आपको और कमेंट भी करें। इन दोनों की बातों पे अमल गौर और फिक्र करें, ठीक है? इन दोनों को ये बात करें, मेरे लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। इसको दो चार चुपेड़े भी मारे कमेंट्स में, कमेंट्स में लिखो, बहुत अगली है ये। चले गाइस, इसी के साथ यू अगली इज माय सिस्टर, यू अगली है, इंग्लिश भी नहीं आती इंग्लिश की, तो अगली कम टू मी, इंग्लिश कम्स टू मी, इंग्लिश कम्स टू मिश्रा, इंग्लिश कम्स टू अस। ओके गाइस, इसी के साथ हम वीडियो को करते हैं एंड, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप, आई होप सो आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। यस, आया होगा। टाटा बाय बाय। कॉन्फिडेंस को आया? कॉन्फिडेंस हम तो भी आया, तुमको आया? बहुत आया, मुझको बहुत आया, तेरा बहुत दसी। तो गाइज ओके, ठीक है गाइज, ओके बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़, लाइक शेयर कमेंट, अल्लाह हाफिज़ एंड कमेंट।